नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ घूमने जा सकते हैं और आपको जाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आप एशिया के सबसे बड़े गार्डन में घूमने जा सकते हैं और किस प्रकार आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं और आपको क्या कुछ वहाँ जाने के लिए करना पड़ सकता है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पीले, लाल, क्रिम्सन, बैगनी और सफेद समेत और कई रंगों और किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप आप यहां आकर देख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए यह बीते 19 मार्च 2023 से खोल दिया गया है। इस साल पर्यटक यहाँ आकर 15 लाख ट्यूलिप्स का दीदार कर पाएंगे। जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में 52 हेक्टेयर सुरमय भूमि में फैला और डल झील के किनारे स्थित श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप्स के साथ ही इस गार्डन में आपको जलकुंभी, गुलाबी, तुरसबा, डैफोडिल्स, मस्करी और अन्य कई प्रकार के खूबसूरत फूल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी खूबसूरती और बसंत फूल भी देखने को मिलेगी आपको। ट्यूलिप गार्डन को पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था। साल 2008 में जम्मू और कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन नाम रखा। जबरवन पर्वत की तलहटी में स्थित इस अद्भुत ट्यूलिप गार्डन में 15 लाख ट्यूलिप के फूलों की 64 प्रजातियां हैं। लगभग 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस ट्यूलिप गार्डन को कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2007 में से खोला गया था। पर्यटन विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस साल 68 किस्मों के 1.5 मिलियन से अधिक ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। उम्मीद है यह बाग देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के पर्यटकों के लिए आकर्षण होगा और कश्मीर में लाखों के तादाद में पर्यटक पहुंचेंगे। इस बार इस बाग को और आकर्षित और आरामदायक बनाने के लिए यहां एक ओपन एयर कैफेटेरिया को बगीचे में स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, वह आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन फैमिली, फ्रेंड्स या अकेले भी घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। मार्च से लेकर अप्रैल तक का महीना यहां घूमने के लिए बेस्ट है। ट्यूलिप गार्डन में घूमने फिरने के अलावा आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। गार्डन में टिकट का दाम ₹50 रखा गया है और बच्चों के लिए ₹25, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन भी की जा सकती है। तो बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है, 12th हो या 10th बोर्ड का बच्चों का एग्जाम तो खत्म हो चुका है। अगर आप जा सकते हैं तो यहाँ आप जाएं, आराम से आप घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाने का फी भी बहुत कम है। आप एंट्री आराम से ले सकते हैं। बड़े आदमी के लिए ₹50 और बच्चों के लिए ₹25 है। तो आप जाएं और अपने साथ ही अपने दोस्तों के साथ जाएं, अपने जीवन साथी के साथ जाएं और यहाँ जाके आप आराम से नई यादगार बना सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।